हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑफ 4 सितंबर 2024। द फर्स्ट आर्टिकल सेज एक्सपोर्ट लिंक्ड जॉब्स डिक्लाइंड इन इंडिया एज इट मिस्ड आउट ऑन पोस्ट चाइना अपॉर्चुनिटी। सो द आर्टिकल इज मेनली हाईलाइटिंग कि हाउ जॉब्स इन इंडिया दैट आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेशनल ट्रेड दे हैव डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड। जैसे कि सिंस देर हैज बीन चाइनाज विड्रॉल फ्रॉम द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया हैड अ ह्यूज स्कोप ऑफ डाइवर्सिफाइंग इट्स स्टेप्स इन द पर्टिकुलर सेक्टर, स्पेशली इन द एरियाज लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, जहाँ पर देर आर लेबर इंटेंसिव वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। तो दे हैव फेस अ शार्प डिक्लाइन एंड दिस इज अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। सो फर्दर द सजेशंस आर दैट इंडिया कुड फर्दर लेवरेज ग्लोबल वैल्यू चेंज, जो कि अभी करेंटली ड्यू टू पॉलिसी बैरियर्स और अदर लिमिटेशंस की वजह से इट इज नॉट दैट मच एंड इट हैज ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द टाइम। तो दैट कैन बी फोकस्ड अपॉन बाय क्रिएटिंग मोर ट्रेड रिलेटेड जॉब्स और इंटीग्रेटिंग मोर डीपली इंटू द ग्लोबल वैल्यू चेंज, जो कि इट विल इंक्रीज इवन अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इट विल इवन इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। नेक्स्ट, 9 माओवादी किल्ड इन दंतेवाड़ा एनकाउंटर। सो अगेन दिस इज रिगार्डिंग नक्सलिज्म एंड माओइज्म। तो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन माओइज्म एंड नक्सलिज्म इज के बोथ दे बोथ आर रूटेड इन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बट जो ओरिजिन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर पर्टिकुलरली डिफरेंट। माओइस्ट इज अ फॉर्म ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिस्ट थॉट, जो कि इट एज द नेम सजेस्ट ये माओ जेडोंग जो चाइना में थे उनकी लीडरशिप के अंडर आया था। तो दिस इज वन डिफरेंस। एंड की आइडियोलॉजी जैसे कि रूरल एरियाज पर ज्यादा इनका फोकस है एंड पीजेंट बेस्ड रेवोल्यूशन है ये मेजरली, वेर एज जो नक्सलिज्म है इट इज अ मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट जो नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में अमर्ज हुआ था एंड इट इज मेनली रिगार्डिंग लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पुअर स्पेशली। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर द नक्सलिस्ट मूवमेंट, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 इज द मेजर एग्जांपल। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दैट इज CAPF, तो दैट हैव मेजरली हेल्प्ड इन कर्बिंग सच एजिटेशंस। नेक्स्ट, बंगाल बिल मूव्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। सो हेयर दिस इज रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ट्यूजडे दैट यूनानिमसली पास द अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। एंड इसमें प्रोविजन है फॉर इंक्रीज पनिशमेंट फॉर रेप, गैंग रेप एंड रेप दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ द विक्टिम्स और लीव्स अर इन वेजिटेटिव स्टेट। तो एंड ऑल्सो हियर इट हैज बीन डिफाइंड के द पर्सन हु हैज रेप्ड देयर डेजिग्नेशन इट ऑल्सो मैटर्स एंड इट अफेक्ट्स द पनिशमेंट दैट इज गिवन टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यहाँ पर ऑल्सो इट हैज मेंशन के डेथ हैज बीन इंक्लूडेड और डेथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज प्रपोज्ड एंड राइट नाउ इट वॉज लिमिटेड टू मेयरली पनिशमेंट्स ऑफ 10-20 ईयर्स एंड और डेथ। तो द क्वेश्चन इज के वेदर दीज पनिशमेंट्स और स्पेशली जो हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं डेथ की, तो कैन दे एक्चुअली हेल्प इन कर्बिंग सच रेप इंस्टेंसेस। तो मेजर द वे दैट वी कैन स्टॉप ऑल दिस इज बाय एजुकेटिंग एट होम इटसेल्फ। उसके बाद देयर कम्स द रूल ऑफ स्कूल्स एटसेट्रा, जहाँ पर ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए एंड ऑल दीज दे शुड बी अप्लाइड इन वर्क प्लेसेस मेजरली, इससे दे कैन स्टॉप।
एंड इम्पैक्ट क्या क्या होगा ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, इट कैन बी रिपोर्टिंग ऑफ रेप, कम रिपोर्टिंग होगी फर्दर, इवन डेथ केसेस कि इंस्टेड ऑफ लीविंग द विक्टिम द पर्सन माइट इवन किल द पर्सन सो एज टू प्रिवेंट द केसेस ऑफ एलिगेशंस एटसेट्रा. फर्दर ह्यूमन राइट्स का और जो एथिकल कंसर्न है दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद कैपिटल पनिशमेंट. नेक्स्ट, मिलिटरी एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग सेकेंड फेज ऑफ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन जोधपुर. तो तरंग शक्ति अगेन इज एन इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो अगेन मिलिटरी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात करती है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द एयर फोर्सेस ऑफ द फ्रेंडली फॉरेन नेशंस. तो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इसकी इन केस ऑफ इंडिया डिफेंस डिप्लोमेसी. नेक्स्ट, एमिट साउथ चाइना सी टेंशन पीएम इन ब्रूनी टू डिस्कस डिफेंस टाइल्स. तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें अगेन यस्टरडे आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ब्रुनाई एंड सिंगापुर. तो इसी में ही फर्दर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक आर रिगार्डिंग द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन आर रिगार्डिंग टेलीमेट्री. जैसे कि 3 MOUs हैव बीन साइंड विद ब्रूनी इन दिस एरिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन इन 2000. और ये ट्रैक करते हैं मॉनिटर करते हैं जितने भी ईस्टवर्ड लॉन्चेस ऑफ सैटेलाइट एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. तो डिफेंस इज अनदर इम्पोर्टेंट पिलर इन आर बायलैटरल कोऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम ट्रेड दैट वी ऑलरेडी रेड. स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्थ कैपेसिटी बिल्डिंग दीज आर ऑल द मेजर एरियाज वेयर वी हैव बीन कोलैबोरेट. तो नेवल एंड कोस्ट गार्ड शिप्स एक्सचेंज विजिट्स ट्रेनिंग एंड ज्वाइंट एक्सरसाइजेस दीज आर ऑल द मेजर स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन. अ डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट सेव. तो एआई गवर्नेंस क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजरली जो सेफ्टी कंसर्न्स है देन कॉपीराइट कंसर्न्स एथिकल कंसर्न्स दैट आर रिगार्डिंग एआई. तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग इट. यहाँ पर देर इज अ मेज द पॉइंट दैट दिस आर्टिकल इज हाईलाइटिंग इज द ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनलिज्म एज वेल. तो कैसे इंडिया कैन कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज एज वेल. एंड मेजर अगर हम चैलेंज की बात करते हैं एज डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो के इन टर्म्स ऑफ एआई जो मेजर लूपहोल है इंडिया में दैट इज रिगार्डिंग नॉट हैविंग अ पर्टिकुलरली वेल लॉ स्पेसिफिकली दैट इज मेंट फॉर एआई. वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 फिर रूल्स भी 2021 में एंड ऑल्सो द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. तो बट देर इज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर दैट इज मेंट फॉर एआई जो कि अलाइंड भी है विद द अदर लॉज एंड स्टैंडर्ड्स जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज है उनके साथ भी. जैसे कि ईयू में वी हैव स्पेसिफिक लॉज एंड इवन इन द यूएस. तो हेयर दिस इज रिगार्डिंग जीडीसी दैट इज द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट. तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट के हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजिटाइजेशन एंड एज द टर्म सजेस्ट ग्लोबली क्या इम्पॉर्टेंस है टू हैव अ यूनिवर्सल एंड कॉमन फ्रेमवर्क जो कि डिजिटल डिवाइड को भी एड्रेस करता है एंड ऑल्सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इंक्लूसिव डिजिटल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना. सो दीज आर द मेजर की पॉइंट्स दैट आर हाईलाइटेड हियर. फर्दर इंडिया हैज एन एक्टिव एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंगेजमेंट यूएन और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स इन G20 और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो GDC जो है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट दैट अलाइंस विद द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और जो ब्रिज भी करेगा ग्लोबल डिजिटल डिवाइड. हेयर द मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया हैज विद रिगार्ड टू दिस एस्पेक्ट इज मेजरली द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो करेंटली अभी एग्जिस्ट करती है एआई इनोवेशन लैंडस्केप में. ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो जो बेसिक एक्सेस है जैसे कि इंटरनेट एटसेट्रा देर आर सेवरल एरियाज जिनके पास बेसिक
फैसिलिटीज ही नहीं है. फर्दर व्हेन वी गो फॉरवर्ड वी टॉक अबाउट द एक्चुअल एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स, कैपिटल डेटा सेंटर्स, इन सब की बात होती है इन रिलेशन टू चिप्स एज वेल. तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. एंड फर्दर रिसर्च में जो हम बात करते हैं एआई इनोवेशन की, जिसके लिए वी ऑल्सो हैव द रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस. तो दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन वर्क अपॉन मेजरली टू हैव अ मोर इक्विटेबल एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी और बेटर इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म्स इन दिस रिगार्ड इटसेल्फ. तो कीटन यहाँ मेंशन है बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर विद अ लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच. नेक्स्ट, टेक ऑन द चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी. तो अगेन सिमिलर टू द वेल्थ इनइक्वालिटी, वी ऑल्सो टॉक अबाउट इनकम इनइक्वालिटी दैट इज एग्जिस्टिंग. और हियर द की टर्म दैट वी कैन टॉक अबाउट इज सोशल जस्टिस एंड ऑल्सो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, के हाउ दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द क्रिएशन ऑफ जॉब्स एक्सेट्रा एंड देन फर्दर इनकम. तो मेजर की एरियाज वेयर वी कैन एक्ट अपॉन आर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फिर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सिंस वो क्रिटिकल है फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग एंड इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, फेयर लेबर लॉस और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेजर सेक्टर दैट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन, जो बेसिक रिसोर्सेज है उनसे रिलेटेड. एंड फिफ्थ इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपर रिच फॉर द पब्लिक गुड. एंड इनकम इनइक्वालिटी मेजरली हेयर दे आर सजेस्टिंग के इट शुड नॉट बी सीन इन द स्कोप ऑफ इन द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल, रैदर इकोनॉमी ऑफ पर्पस के साथ, कि हाउ एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज बींग इनहेंस, कितनी एफिशिएंसी, क्वालिटी, कंजम्पशन एज वेल एज इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस दे आर बींग इंक्रीज, और लिफ्टिंग मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड जॉबलेसनेस दैट इज इम्पोर्टेंट. मिड कोर्स करेक्शन, हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट अपॉन द पॉलिसीज इन द फ्रेमवर्क टू हैव बेटर वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड ऑल्सो ग्रास रूट लेवल पे दे आर वर्किंग के इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में वी कैन ऑल्सो फोकस अपॉन द लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोस्पेरिटी. कैसे कर सकते हैं? मेनली फोकसिंग अपॉन द MSMEs और जो लोकल इनोवेशंस है, वेन वी टॉक अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ऑल्सो कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये ग्रास रूट लेवल पर ही दे प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एंड सच ट्रेनिंग एक्सेट्रा, सच चांस. इवन वेन यू टॉक अबाउट GI टैग दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया हैज 800 डिस्ट्रिक्ट विद यूनिक क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, केपेबिलिटीज. तो 800 सच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे कैन क्रिएट अ नेटवर्क जिससे कि बेटर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्रिएट हो. तो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच फोकसेस अपॉन डिसेंट्रलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच के बात कर सकते हैं. सो इकोनॉमी ऑफ पर्पस. कॉन्ट्रीब्यूशन में बात कर सकते हैं, DPSP में बात करते हैं, जब आर्टिकल 39 की इक्वल पे की बात करता है, 42 और 43 की बात करते हैं, तो वर्क प्लेस पर सेफ्टी और वुमेन और मैन के लिए इक्वल वेजेस होनी चाहिए। उसके अलावा जब माइग्रेशन देखा जाता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में गाइडलाइन दी थी, जो भी माइग्रेट कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब के लिए, उनके पास स्पेसिफिक जो फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे राशन कार्ड हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड इसके लिए किया गया ताकि उनको जो बेनिफिट मिलने चाहिए फूड से रिलेटेड वो मिल सके। इसके अलावा सम श्री करके पोर्टल तैयार किया गया जिसमें उनको रजिस्ट्रेशन करवाना और इक्वल वेजेस मिल सके। मनरेगा को जोड़ा जा सकता है, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उनके साथ जब हम बात करते हैं सेक्टर्स की, कि किस तरह से जो रूरल इकोनॉमी है उसको जोड़ा जाए और उसको इस तरह से डेवलप करा जाए कि शहरीकरण की जगह उसी को ही इकोनॉमिकल चैन में जोड़ा जा सके और जीडीपी में
ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। उसके लिए जो जब हम गति शक्ति की बात करते हैं, उनके द्वारा जो नेटवर्क चेन बनाई जा रही है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे हम महाराष्ट्र से इंदौर के बीच में सबसे छोटी ट्रेन लाइन बनाई जाएगी जो वहां के गांव को कनेक्ट करेगी, जिसके में लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई मार्केट और के साथ साथ सेंटर से लेकर साउथ तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी। यहाँ 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो 4 घंटे का कम होकर 40 से 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और वो 10 से 12 गांवों को जोड़ेगी, जिसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सारी चीजें भी डेवलप होंगी। तो इस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे असम की बात करते हैं तो वहाँ लॉजिस्टिक हब डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बनाया जा रहा है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, जो डिस्टेंस है उसको कम करेगा। जहाँ और शॉर्ट लॉजिस्टिक, और ताकि अलग अलग तरह से बनाए जाएंगे ताकि जो डिमांड के अकॉर्डिंग उन चीजों को पूर्ति कर सके, और फिर उनको अदर स्टेट्स के साथ जोड़ा जा सके। थैंक यू जी ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, डिड कॉर्पोरेट टैक्स कट्स इंक्रीज वेजेस? तो ऑन टैक्स कट्स इन इंडिया, तो हियर दिस इज मेनली रिगार्डिंग द रिलेशन के आर टैक्स रेट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, फिर वेजेस के साथ भी क्या उनका रिलेशन है, एंड ऑल्सो ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो टैक्स रेट्स फॉर कॉर्पोरेट्स दे वर कट इन सितंबर 2019 इन इंडिया, और जो रेट था फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज दैट रिड्यूस फ्रॉम 30 to 22%, और न्यू कंपनीज के लिए फ्रॉम 25 to 15%। तो इससे टैक्स रेवेन्यू लॉस भी हुआ, एंड इट नेवर कुड नेवरदलेस प्रूव टू बी ऑफ नेट बेनिफिट टू इकोनॉमी, और इवन इफ इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट तब से रिड्यूस ही हुई है सिंस इट हैज हैपेंड, और जो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है दैट हैज कम फ्रॉम द इनसिक्योर वर्क, जो अनपेड फैमिली वर्क है, जो सिग्निफिकेंट शो कर रहा है इंक्रीज इन द रूरल सेक्टर डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करते हैं। फर्दर PFLS की जो हम बात करते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो शेयर ऑफ वर्कर्स विद रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट एट द ऑल इंडिया लेवल हैज फॉलन फ्रॉम 22% to 20.9% 17-18 से लेकर 22-23 तक। और जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस है दे हैव शोन हेल्दी ग्रोथ सिंस द पैंडेमिक, लेकिन इसका लिटिल टू नो इफेक्ट आया है ऑन द एम्प्लॉयमेंट और द वेजेस। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो जो टैक्स कट्स हैं दे वो नॉट नेसेसरीली बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो फर्दर इस इज रिगार्डिंग कैपिटल, कि अगर टैक्सेस कम होंगे तो अगेन कैपिटल में एंड न्यू कंपनीज के क्रिएशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा लोगों का, दे वोंट ऑप्ट आउट द बिजनेसमैन एटसेट्रा। तो ये सर्टेन नहीं है, इट इज वेरी अनसर्टेन कि क्या इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगी, और टैक्स कट का इमीडिएट इफेक्ट होता है ऑन द प्रॉफिट्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयरफॉर देयर इज बेनिफिट दैट इज सीन ऑन प्राइवेट कैपिटल व्हाइल शोइंग लिटिल टू नो बेनिफिट्स फॉर द वेज अर्नर्स। नेक्स्ट, गूगल्स मोनोपोली, इलीगल मोनोपोली की जब हम बात करते हैं, के जैसे के फर्स्ट मेजर एग्जाम्पल इज के द कंपनी पेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईच ईयर एज अ शेयर फ्रॉम इट्स एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यूज टू डिवाइस मैन्युफैक्चरर जैसे के एप्पल, सैमसंग एक्सेट्रा टू बी फीचर्ड इन द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन देयर सर्विसेज। क्योंकि जो जैसे डिफॉल्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि एप्पल का वी हैव सफारी, तो गूगल हैज ऑल्सो पेड वेब ब्राउजर प्रोवाइडर सच एज मोजरेला टू बी फीचर्ड एज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन देयर ब्राउजर्स। तो इससे अगेन देयर इज अ बायस दैट इज क्रिएटेड। प्री इंस्टॉलेशन जो होता है एप्स का ऑफ गूगल इन द डिवाइसेस दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ बायस फॉर द अदर कंपनीज। और अगेन यहाँ पे देर इज डिस्कशन रिगार्डिंग हाउ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर वो अगेन कम्पीट कर सकता है गूगल के साथ बाय प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेस। तो रिगार्डिंग मार्केट शेयर एटसेट्रा,
एंड हाउ दे इवन ट्रैक द यूजर्स डेटा टू शो बायस रिकमेंडेशंस. तो गूगल टू शेयर इंफॉर्मेशन दैट इट होल्ड्स अबाउट यूजर सर्चेस विच इज बिलीव टू बी अ मेजर रीजन फॉर द गूगल्स सुपीरियर परफॉर्मेंस. तो इंफॉर्मेशन एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड फेयर मार्केटिंग ताकि मोनोपोली क्रिएट ना. सो दिस इज अ पॉलिटिकल साइंस कंसेप्ट, हार्म प्रिंसिपल दैट वॉज गिवन बाय जॉन्स मिल्स थ्योरी. तो ये दिखाता है, इट डिफाइन्स द एक्सटेंट ऑफ लिबर्टी, कि जो लिबर्टी है उसको सिर्फ तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं व्हेन इट कॉजेज हार्म. इफ एनी एक्ट दैट यू डू डू इंजरीज टू अनदर पर्सन, यू कैन बी पनिश्ड फॉर इट. लेकिन ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअली हार्म है एंड किस एक्सटेंट तक. सो दिस इज रिगार्डिंग लिबर्टी. तो फेयर फ्री स्पीच की जब हम बात करते हैं कि एक्सटेंट के कब तक कंट्रोल करी जा सकती है इन अ सोसाइटी, एंड वी टॉक अबाउट द लिबर्टी, तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स वर्क ऑन लिबर्टी, दिस इज कोटेड, ऑन लिबर्टी इज द वर्क ऑफ जे एस मिल. एंड जो ट्रू सोसाइटल हैप्पीनेस है दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म है, दैट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन पीपल आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर चॉइसेस. अब बात आ जाती है कि इफ एवरीवन कैन एक्सरसाइज फ्री चॉइसेस तो रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगेंगे, एंड हार्म का कैसे हम ध्यान देंगे कि वेदर इट इज हार्मिंग और नॉट. तो यहाँ मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन की बात हो रही है इन द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टीज, आर्ग्यूइंग दैट द ओनली पावर दैट कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. तो सिर्फ हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ही यू कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस. तो कंस्ट्रेंट की जब हम बात करते हैं, मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस, मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस, तब बात आ जाती है लिबर्टी की. और सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन. सेल्फ रिगार्डिंग जैसे जो इंडिविजुअल को ही हार्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल तक ही सीमित है उनका जो इम्पैक्ट है, लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है दे अफेक्ट अदर्स और सोसाइटी एज वेल. फर्दर बहुत ज्यादा डिलीमा के केसेस आ जाते हैं कि क्या हम यहाँ फिजिकल, सिर्फ फिजिकल केसेस की बात कर रहे हैं और इवन मेंटल, या क्या एक्चुअल में जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग होता है और इट इवन इम्पैक्ट्स अदर्स एज वेल. जैसे इवन व्हेन वी टॉक अबाउट सुसाइड फॉर एग्जाम्पल, तो इफ एवरी वन स्टार्ट टू कमिट सुसाइड तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा ओवरऑल कम्युनिटी के ऊपर? विल इट नॉट इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ, एंड क्या डिरेक्शन हो रही है सोसाइटी की? दीज आर सम मेजर पॉइंट्स है. जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो उसमें यह है कि मैक्सिमम एंड मीन की बात नहीं करते, हम किस पाथ को चुन रहे हैं, लेकिन जो एक्शन किया गया उसके द्वारा मैक्सिमम लोगों को अगर हैप्पीनेस पहुंचती है, वो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करता है, तो वो अगर आपने गलत रास्ता भी चुना तो भी वो ठीक है. तो वो एंड के ऊपर फोकस करता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, वो मीन पाथ के ऊपर फोकस नहीं करता. कौन सी थ्योरी की बात है दिव्या? यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, जबकि एंड में आपका फोर्स वो क्या है, जैसे कोविड लॉकडाउन लगा था तो उनके अलावा काफी और देखने के लिए मिला था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, काफी लोगों की जॉब चली गई और भी इशू हुए थे, लेकिन उनका पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए. तो किस तरह से एंड बेनिफिट देखा जाता है कि एंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए पाथ नहीं देखा जाता. तो एंड बेनिफिट की बात करते हैं कि एंड में आपका रिजल्ट क्या है. टोटलिटेरियनिज्म. नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई गोल्ड नगेट्स आर फाउंड इन क्वार्ट्ज वेन्स. तो गोल्ड नगेट्स होते हैं दे एक्यूमुलेट इन द क्वार्ट्ज वेन्स फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, अ मिस्ट्री फॉर विच साइंटिस्ट करंटली लैक अ सिंगल कन्विंसिंग एक्सपीरियंस. तो गोल्ड नगेट्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस गोल्ड एनरिचमेंट. तो ओरोजेनिक का क्या मतलब होता है?
लार्ज स्केल जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट क्रिएट्स माउंटेन्स सच एज द इंटरेक्शन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स विद द यूरेशियन प्लेट टू क्रिएट हिमालय. तो ओरोजेनिक बोलते हैं इसको. अ नगेट ऑफ गोल्ड ऑन पब्लिक डिस्प्ले, दिस इज गोल्ड. तो क्वार्ट्ज जो होता है ये एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है. जब इसको स्क्वीज करते हैं और इसकी शेप को मैकेनिकली डिस्टॉर्ट करते हैं, इट डेवलप्स अ वोल्टेज. फिर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये डिस्टॉर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम द क्रिस्टल टू एक्वस सोल्यूशन ऑन इट्स सर्फेस एंड वाइस वर्सा. और एक सेज्मिक वेव होती है जो लीड करती है टू पीजो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस विद गोल्ड बेरिंग सोल्यूशंस एंड गोल्ड इज डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल्स. तो जब ये प्रोसेस 1,000 टाइम्स रिपीट होता है देन इट क्रिएट्स लार्ज गोल्ड नगेट्स. दिस इज द एग्जाम्पल हियर कि कैसे गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है ऑन द क्रिस्टल. तो सीज़मिक वेव के रिएक्शन के साथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट, फ्लू स्पाइक्स व्हेन स्कूल्स रीओपन. तो व्हाई डू पीपल कैच कोल्ड एंड फ्लू मोर ऑफन इन विंटर. और जो वायरसेस होते हैं ये ट्रांसमिट कैसे इजीली होते हैं इन द डैम्प एयर. फिर द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय द कोल्ड एंड लैक ऑफ सनलाइट. और हाउ डू द वायरसेस सिंपली टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रेटर टाइम यू स्पेंड इंडोर्स विद ईच अदर. तो रीजन क्या है, जो राइनो वायरस है इट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 40% ऑफ कोल्ड्स, वो ज्यादा बेटर कल्चर करता है एट टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस रादर देन जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है. लेकिन जो नोज की लाइनिंग का टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्रीज ही होता है. इस वजह से द वायरस इट कैन इजीली इम्पैक्ट. तो जब हम पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज में होते हैं इंडोर्स तो ये एड करता है द एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस. और सनलाइट कम होती है विंटर में तो अगेन वायरस मरता भी नहीं है इसकी वजह से. और वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर द ग्रेट इंक्रीज इन कोल्ड्स दैट अकर्स इन अर्ली ऑटम एंड जस्ट आफ्टर क्रिसमस इज द रिटर्न ऑफ स्टूडेंट्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग कोल्ड जेंडर इंफॉर्मेशन. तो ये ओशनोग्राफर है गुस्तावो बेलिया बेला, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांड. तो होल्ड अ ग्रीन सी टर्टल इन गुआना बारा बे इन रियो डी जेनेरो. तो ग्रीन सी टर्टल, दीज टर्टल्स आर रीगेनिंग देयर हेल्थ एंड स्ट्रगल फॉर ईयर्स विद द डिजीज दैट हैम्पर्ड देयर मूवमेंट एंड साइट एंड अल्टीमेटली लेड टू देयर डेथ्स. तो अगेन बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं एंड हाउ दे शो द क्वालिटी ऑफ आर इन्वायरमेंट. जैसे इवन वेन वी टॉक अबाउट फ्रॉग्स हाउ दे आर द बायो इंडिकेटर स्पीसीज. ग्रीन सी टर्टल्स. जस्टिस विदाउट फोर्स इज पावरलेस, फोर्स विदाउट जस्टिस इज टिरैनिकल. तो फोर्स इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड जस्टिस एंड फोर्स भी तभी प्रोवाइड करनी चाहिए व्हेन इट इज ओनली मेंट फॉर जस्टिस एंड नॉट फॉर द रूल और शोकेसिंग ऑफ पावर, अदरवाइज इट लीड्स टू टिरेनी. नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. तो रीक्लेम द फार्म, एग्रीकल्चर मस्ट बी टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड एंड इंस्टीट्यूशनली इनोवेटिव टू बी एन इंजन ऑफ ग्रोथ. तो अगेन वी हैव डिस्कस मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए. फर्दर रिगार्डिंग द मोनोक्रॉपिंग कल्चर कि सिर्फ वीट और राइस की साइकिल से शिफ्ट होना चाहिए टूवर्ड्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एज वेल. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि कैसे वी कैन यूज द डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन DAM जिसकी हमने कल ही बात करी थी सो एज टू इन्हांस द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्री स्टैक. फर्दर जब हम किसान क्रेडिट की भी बात करते हैं
एक्सेट्रा। तो डेवलपमेंट जो होती है, इट इन्वॉल्व्स वर्कर्स मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, और रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ। तो यहाँ पे जो फार्मिंग इन मेनी कंट्रीज इज हाई टेक एंड हाईली प्रोडक्टिव। तो इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वेदर देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या फिर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू अदर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में वी कैन सी अ मेजर बूस्ट। कैसे देख सकते हैं? जब हम लोकलाइज मैपिंग करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल और जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करते हुए, वी विल रीकनेक्ट विद द अलाइड सेक्टर और एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे विद द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे जो कि कनेक्टिविटी इनहांस करेगा, बेटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि कोल्ड स्टोरेजेस एटसेट्रा, और इरिगेशन एक्सपेंशन के लिए कॉम्बिनेशन देख सकते हैं ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरिगेशन, जैसे गुजरात का एग्जाम्पल जहाँ एग्रीकल्चर ग्रू एट 10% पर ईयर ड्यू टू मास बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर्स। तो गुजरात मॉडल की मैं पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब एग्रीकल्चर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए 14,000 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट जो है वो किया गया, जिसमें 7 बड़े सेक्टर्स में काम किया जाएगा। किस तरह से जो रूरल एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसे डिजिटल कृषि मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। उसके अलावा जो पेट्रोलियम है या फिर जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की और अन्य सभी चीजों की, उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो पीएम गति शक्ति है उसके साथ जोड़ा जा सके और गांव को भी उस चीज के साथ बनाया जा सके। इसके अलावा जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे ताकि एआई, बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग के जो भी चेंजेस होने चाहिए उनको किया जा सके। उसके अलावा जो भी रिसर्च होनी चाहिए, जो एजुकेशन या फिर जो अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी चाहिए वो होनी चाहिए। उसके अलावा जीन एडिटिंग के लिए जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए उनको किया जा सके। जब हम फसल्स की बात करते हैं तो फसल में भी जीन एडिटिंग जिनके लिए जरूरी है, जैसे जब हम बीटी कॉटन की बात करते हैं तो उसमें देखने के लिए मिलता है जो चेंजेस हुए हैं उनके बाद उनके ऊपर डेवलपमेंट की जा सकती है। जब हम पल्सिस की बात करते हैं तो पल्सिस में अभी इंडिया सिर्फ 9 से 12% तक पूर्ण कर पाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं 50 से 60% तक जो है आयात किया जाता है, उसको कम करने के लिए उस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। किस तरह से पल्सेस का जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए है कि जो बंजर जमीन या फिर जो लैंड यूज नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज किया जाएगा। या फिर जब हम देखते हैं कि एक टाइम आता है खरीफ के रबी के फसल के बीच में कुछ भी कल्टीवेट नहीं किया जाता, तो उस टाइम पीरियड में किस तरह से जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकली उनको 8 6 एग्रीकल्चर जोन्स में बांटा गया, तो उनके हिसाब से कौन सा जोन में उनको बनाया जाए ताकि उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो इन सारे पॉइंट्स को इंक्रीज किया गया है ताकि एग्रीकल्चर में और जो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें इंडिया सफिशिएंट बन सके। अच्छे पॉइंट है सारे। मेजरली पूरा जो भी स्कोप है उसको एनहांस करना विद टेक्नोलॉजीज यूज एज वेल और बेटर प्लानिंग से। फर्दर ये आर्टिकल इज वेरी गुड, इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर रखे हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग को इक्विटेबल करना, और मेजर जो उसने बता रखा है न्यू पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द ग्रुप फार्मिंग करना। जैसे अगर हम देखते हैं कि स्मॉल लैंड होल्डर्स की जो प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो मेजोरिटी फार्मर्स है 40 to 60%, उनके पास सिर्फ वेरी दे आर वेरी स्मॉल फार्मलैंड्स नियर टू 1 हेक्टेयर। तो उसको कैसे हम इनहांस कर सकते हैं लैंड यूटिलाइजेशन को? तो ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं दैट इज शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न्स के साथ, और फार्म इन कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप्स। हाँ जी वेरी बोलो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा हाँ जब हम कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल फार्म लैंडिंग की बात करते हैं, होल्डिंग की बात करते हैं, तो चाइना में भी देखा जाता है। वो जब हम 90s 80s या 90s की बात करते हैं उस टाइम पे थी, जो उनके द्वारा रिफॉर्म अपनाए गए इंडिया के
एस्पेक्ट से देखते हो, उन चीजों को अपनाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं, ताकि जब हम देखते हैं कि जो छोटे एरियाज है वो ज्यादा पूर्ति करते हैं फूड सिक्योरिटी में, तो उस हिसाब से उन चीजों को डिवाइड किया जा सकता है और रिफॉर्म्स को अपनाया जा सकता है। और मेजर एग्जांपल जो हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन में गुजरात मॉडल मेंशन कर सकते हैं, तो ऐसे ही ग्रुप फार्मिंग इनिशिएटिव्स में हम बात कर सकते हैं केरला के, जिसने प्रमोट किया ऑल विमेन ग्रुप फार्मिंग 2000s में, और अभी करेंटली 73,000 ग्रुप फार्म्स हैं। तो कल्टिवेट्स लीज लैंड, पूल्स लेबर्स रिसोर्सेस, जो कॉस्ट और बेनिफिट भी शेयर कर रहे हैं। और बाकी अदर एरियाज तो हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं, तो दे ऑल्सो हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड ग्रोथ। और कैसे इनलैंड फिशरीज का ज्यादा वो देखा जाता है, अगर हम बात करते हैं कोस्टल उनमें, कि इनलैंड फिशरीज ज्यादा प्रोडक्शन करती है उसमें, तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। स्टेट स्पेसिफिकली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ केसर और सेब जैसी फसलों को उगाया जाता है, वहीं सिक्किम में जैविक खेती की जाती है, तो उस चीज को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए भी उत्तराखंड में जो बोर्ड है उनके साथ कनेक्ट किया गया, ताकि वो एक एजेंसी बनाई गई है, वो अमूल के साथ मिलकर फार्मर्स को गाइड करेगी, उन्हें अवेयर करेगी, और उसके अलावा उनकी मिट्टी की और जो फसल है दोनों की क्वालिटी चेक करेगी। क्योंकि जब हम जैविक खेती में या फिर नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो वहाँ जो क्वालिटी वाला एस्पेक्ट है उसके ऊपर देखा जाता है कि प्रोडक्ट पूरे नहीं कर पाते, तो किस तरह से जब हम यूएसए की बात करते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो जो उनकी क्वालिटी मेजर्स है उनको सफिशेंटली पूरा कर सके, उसके लिए भी चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि जो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज होता है उसको कम किया जा सके, और जो सोइल फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए, और जो वाटर कम इंटेंसिव क्रॉप्स है उनको अपनाया जा सके। एंड सिमिलरली अगर इनकम की बात करते हैं, तो जो 61% ऑफ रूरल इनकम है वो नॉन फार्म सेक्टर से आती है, तो एक्सपैंड करना और सिनेजाइज करना इम्पोर्टेंट है फार्म नॉन फार्म लिंकेजेस को। जैसे अगर हम फूड प्रोसेसिंग की भी बात करते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग, मशीन टूल्स, इको टूरिज्म, तो ये सब इनकम और जॉब को रेज कर सकती हैं। तो लिंकेज ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। हाँ, जो स्मॉल माइक्रो एमएसएमईज की बात करते हैं, उनके स्तर पर डेवलप किया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर के लिए मशीन सिस्टम चाहिए, ताकि जैसे आत्मनिर्भर की बात करते हैं ट्रैक्टर है या फिर जो और सारे प्रोजेक्ट है उनके डेवलप किया जाए, और गांव में ही उनको जोड़ा जा सके, ताकि जो इनकम है वो जनरेट हो सके।